नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मोतिहारी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्वी चंपारण में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त क्रांति दिवस 9 अगस्त 2022 से 14 अगस्त 2022 तक मनाया जा रहा है, जो पूर्वी चंपारण के सभी क्षेत्रों में 75 किलोमीटर की तिरंगा पदयात्रा करेगी। आज इसकी शुरुआत चरखा पार्क गांधी संग्रहालय मोतिहारी से पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा 6 दिनों तक चलेगी। यह पदयात्रा कांग्रेस कमेटी के द्वारा सदर अनुमंडल प्रभारी मुमताज अहमद के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी नेता पदयात्रा में शामिल हुए हैं। इस यात्रा के दौरान पदयात्रा प्रभारी मुमताज अहमद ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के दौरान कांग्रेस पार्टी जिले के सभी प्रखंडों में 75 किलोमीटर तिरंगा पदयात्रा करेगी। उक्त अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शुक्ल, उपाध्यक्ष विजय शंकर पांडेय, युवा नेता बिट्टू यादव, मुनमुन जायसवाल, राहुल शर्मा, रंजन शर्मा आदि उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि जिले के 75 वर्ष गांठ के अवसर पर जिले में 75 किलोमीटर हम तिरंगा पदयात्रा करेंगे। उसी के तहत आज पहला दिन हम लोग ये चरखा पार्क गांधी स्मारक पर माल्यार्पण करते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर, श्री कृष्ण बाबू और ये इन पर माल्यार्पण करते हुए चढ़ैया गांधी आश्रम तक चढ़ैया हम लोग पहुँचेंगे। ये आज शुभारंभ है पहला दिन, और उसके बाद लगातार जिले के सभी प्रखंड में सभी अनुमंडल में पदयात्रा।